पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और 200 ग्राम शिमला मिर्च और 2 प्याज मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है। सारी चीज़ों को कट करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल यहाँ गर्म करना है और तेल हमारा गर्म हो जाए तो ये पनीर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमने हर तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। गैस बंद करके पनीर बाहर निकालेंगे, उसी तेल में वापस हम ये प्याज हमारी फ्राई कर लेंगे, इसको भी अच्छा सा नरम और सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हमने प्याज को भी अच्छा फ्राई कर लिया है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा इस तरह से नरम करना है, फ्राई करना है। इसको भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में हम शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। तो ये शिमला मिर्च कैप्सिकम अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। उसी फ्राइंग पैन और उसी तेल में अब थोड़ा सा हमने जीरा ले लिया है, और जीरा हमारा अच्छा ब्राउन हो जाए तो 2 बड़ा प्याज हमने ले लिया है इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ, 2 हरी मिर्च आप एक भी ले सकते हैं। 2 मिनट फ्राई कर लेंगे प्याज को और 2 मिनट के बाद ये 3 कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ले ली है, आप कोई भी लाल मिर्च डाल सकते हैं लेकिन तीखी वाली होगी तो 2 डालिए। 2 बड़े टमाटर हमने ले लिए हैं। अब हमारे ड्राई मसाले भी इन्हीं पे हमें ऐड करना है। 1 टीस्पून ले लिया है हमने नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा 1/4 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और जितना आपको तीखा खाना है उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1 ही टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही हमने कसूरी मेथी ले ली। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको कुक होने देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद सारे मसाले हमारे नरम हो चुके हैं तो थोड़ा सा हमने पानी लिया है और 2 मिनट इसको हम कुक कर लेंगे और 2 से 2.5 मिनट के बाद यहाँ का गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारी आधी चीज़ें डन हो चुकी है, हाफ डन हो चुकी है, आधी पकाई पकाई है। इसको बिल्कुल हमें ठंडा करके मिक्सर के जार में लेके इसकी एकदम स्मूथ पेस्ट बनानी है। बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद मसाले में वापस 3-4 चम्मच हमने ले लिया पानी ताकि पीसने में रहे आसानी। और मसाला पेस्ट पीसने के बाद यहाँ एक कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत कम कुकिंग ऑयल लेना है, मैं यहाँ 1.5 टेबलस्पून ले रहा हूँ, आप आपकी मर्जी के हिसाब से कुकिंग ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिनेमोन स्टिक थोड़ा सा ले लिया है और थोड़ा सा लौंग, 1 काली बड़ी इलायची, 3-4 ब्लैक पेपर, पेपर कॉर्न्स। 20 से 25 सेकेंड इसको हमें फ्राइज करना है मीडियम फ्लेम पे। 20 से 25 सेकेंड के बाद 25-30 सेकेंड हो चुकी है, यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे भी इसको 25-30 सेकेंड इसको भी हमें फ्राई करना है। और मुझे 1 मिनट का वक्त लगा अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई करते हुए बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमने ले लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे
उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून ये बेसन, मेरा भुना हुआ बेसन है, आप सादा भी ले सकते हैं। तो भी एक से डेढ़ मिनट हम पकने देंगे और डेढ़ दो मिनट के बाद अब ये हमारी ग्रेवी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करना है हमें और फ्लेम को स्लो टू मीडियम करके बीच में चलाते हुए इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से ग्रेवी को हम कुक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स 12 से 13 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ग्रेवी को अच्छे से मैंने कुक कर लिया है, बीच में दो तीन बार इसको चलाया है। अब ग्रेवी जिस बाउल में मैंने रखा था उसमें आधा ग्लास पानी हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं आधा ग्लास। अब यहाँ एक ग्लास तक पानी ऐड कर सकते हैं, अच्छे से पानी को मिक्स कर ले। और पानी हमने इसलिए डाला है कि कंसिस्टेंसी को हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें, अदरवाइज आप बिना पानी के भी कुक कर सकते हैं, आधा ग्लास पानी इनफ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को वापस कुक होने देंगे। 5 मिनट का वक्त हो चुका है, पहले अब हम इसमें डाल देंगे पनीर और प्याज। ये डाल दिया हमने शिमला मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे 1/3 टीस्पून। फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक कर लेते हैं। मिनट का वक्त हो चुका है, पनीर शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्जी ये तैयार है, हमारी पनीर शिमला मिर्च की जबरदस्त रेसिपी। दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी हो और शेयर करना ना भूलें।